नमस्कार। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान्नम प्रकाशयेत। नीति के विद्वानों ने इस जीवन का सारा निचोड़ हमारे सम्मुख रख दिया है। अब हम इसको कितना अपने जीवन में ले आते हैं ये जानना है। कहता है शास्त्र, अर्थ का नाश हो, किसी गलत कारण से या किसी भी कार्य से आपकी गलती के चलते अगर अर्थ का नाश हो गया हो और मनस्तापम, कोई मन में ताप हो, कोई ऐसा संताप हो किसी भी तरह का, जब तक कोई विश्वसनीय न हो तब तक उसको न बताएं। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, घर में कोई दुश्चरित्र हो रहा हो। प्रायः कई बार ऐसा देखने में आ जाता है कि घर में ऐसा, घर के भीतर ही कोई दुश्चरित्र हो रहा हो या दुश्चरित्र चल रहा हो। वंचनम, किसी के द्वारा आपको ठग लिया गया हो। चापमानम च, या किसी ने आपका अपमान कर दिया हो। मतिमानम प्रकाशयेत, जो बुद्धिमान पुरुष है उसे शास्त्रकार कहते हैं कि इस बात को प्रकाश में न लाए। क्यों? क्योंकि सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। सुनकर के लोग हंसेंगे, बांट कोई नहीं सकता। तो आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, एक 53 वर्षीय व्यक्ति की है। राजनीति के में वर्तमान समय में ये सक्रिय भूमिका में है, परंतु बीते कुछ दिनों से काफी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। बल्कि चूंकि ये वर्तमान सरकार में इनकी भूमिका है और बीता कुछ दिन इनके ऊपर इतना भारी गुजरा कि इनको ऐसा लगा कि अपने पद से इनको इस्तीफा तक देना पड़ जाएगा। इस बात को लेकर के ये काफी चिंतित थे। यही इन्होंने प्रश्न किया है, चूंकि इनका राजनीतिक जीवन है, कोई दूसरी विशेष समस्या नहीं है। इनको, इनके मन में भय है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कलंक लग जाए। पूर्व में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते कुछ शत्रु हो गए हैं और वो लोग मुझे बदनाम करने पर तुले हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बदनामी हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़े? तो आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। मेष लग्न की यह कुंडली है, जहां पर आप एक नंबर देख रहे हैं, कुंडली का प्रथम स्थान। मेष लग्न और लग्न के मालिक कहां बैठे हैं? तो जहां पर इस कुंडली में यह 10 नंबर लिखा है, कुंडली का दशम भाव, यहां पर मंगल, और वो भी कैसे हैं? तो उच्च का, सर्वश्रेष्ठ योग ज्योतिष का इसको मानते हैं। अगर दशम भाव में मंगल बैठा हो तो इसको रूचक राजयोग कहते हैं। साथ ही साथ दशम भाव में तीन तीन ग्रह देखिए, मंगल, बुध और शनि। शनि यहां पर स्वराशिस्थ, इसको कहते हैं शस नामक महापुरुष योग। कुंडली में दो दो महापुरुष योग यहीं पर लग गए, और साथ ही साथ बुध भी, यानी तीन तीन ग्रह, और वो भी बलि होकर के जब केंद्र में दशम भाव में बैठे हैं, तो इसको कहते हैं नृप योग। तो राजा अथवा राजा के समतुल्य जातक होता है। तो पहले तो रुचक राजयोग, दूसरा शस योग और तीसरा नृप योग। अब आगे इनकी कुंडली में बीते जो दिनों से इनको परेशानी चल रही है, सबसे पहले उसका हल कर लिया जाए। इसके लिए चंद्रमा पर नजर डालिए, जहां पर इस कुंडली में ये 8 नंबर लिखा है। ये 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। लग्न इनका मेष और राशि इनकी वृश्चिक, यानी इनके लग्न के मालिक भी मंगल, राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा, और चंद्रमा पर आपकी जब दृष्टि जाएगी तो आप देखेंगे कि 7 नंबर भी खाली और 9 नंबर भी खाली, 8 नंबर में अकेला चंद्रमा, और वो भी कैसा? तो नीच का, के मद्रुम योग से ग्रसित, और वो भी नीच का। एक चीज हमेशा समझने वाली है, ये ज्योतिष के कई एक ऐसे गहन अध्ययन का विषय बना देता है, इसीलिए ज्योतिष गहन अध्ययन और मंथन का विषय है। किसी एक व्यक्ति की कुंडली में सामान्यतः 10 से 15 राजयोग लगे होते हैं,
अब सवाल यह उठता है कि जब एक व्यक्ति जो सामान्य हो उसकी कुंडली में 10-15 और जो श्रेष्ठ अवस्था में जिसको आप समाज में शिखर पर देख रहे हैं, आप यूं समझ ले कि उनकी कुंडली में 15 से 20 राजयोग लगे होते हैं, तो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य जो इस समय सफलता के शिखर पर है, जब उनकी कुंडली में कई एक राजयोग लगे होते हैं तो निश्चित रूप से उन राजयोगों के प्रभाव से वो जातक सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, परंतु वहीं कुछ एक दुर्योग उसकी सफलताओं में बाधक भी बनते हैं। केमद्रुम योग एक ऐसा ही दुर्योग है जहां जातक कई बार अपने गलत निर्णय के चलते, ये ऐसा दुर्योग है जिसमें जातक अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। और जैसा कि मेष लग्न के लोग प्रायः होते भी जल्दबाज प्रवृत्ति के हैं, किसी भी बात पर बहुत जल्दी में फैसला ले लेना और बाद में पछताना, जैसा कि इन्होंने कुछ एक बातें ही, अब चूंकि ये राजनीतिक जीवन में है तो सारी बातों का खुलासा तो मैं नहीं कर सकूंगा, तो चूंकि ये बहुत सारी चीजें गुप्त होती हैं और गुप्त ही उसको रहने दिया जाए। मेरा ये कार्यक्रम किसी के जीवन को खोल करके रखना नहीं, सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान व्यक्ति कैसे बढ़ा सके, मेरा मूल उद्देश्य यही होता है। तो जहां इनकी कुंडली में आपने दशम भाव में इतने सारे राजयोगों को देखा, वहीं पर देखिए मंगल और केतु की युति, इसको कहते हैं अंगारक योग। बुध और केतु की युति, इसको कहते हैं जड़ दोष, और साथ ही साथ शनि और केतु की युति, इसको कहते हैं श्रापित दोष अथवा पितृ दोष। अब इनकी कुंडली में जहां पर ये 11 नंबर आप देख रहे हैं, कुंडली का एकादश स्थान आय का घर, यहीं पर देखिए शुक्र सूर्य और गुरु तीन तीन ग्रह, चंद्रमा से गुरु चतुर्थस्थ होने से इसको कहते हैं गज केसरी योग। इतने सारे राजयोगों के चलते ही ये जातक आज इस समय इस पद पर पहुंचे हैं, इस श्रेष्ठ पद पर पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो व्यक्ति इनको परेशान करने पर तुले हुए हैं, जो शत्रु इनके लगे हुए हैं इनके पीछे, क्या वो सफल हो पाएंगे? तो इसके लिए वर्तमान महादशाओं पर नजर डाल लेनी चाहिए। वर्तमान में इनको मंगल की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर, वृश्चिक राशि के हैं तो नवंबर 2011 से इनको शनि की 7.5 चल रही है। वैसे इनकी कुंडली में शनि स्वराशिस्थ हैं, परंतु वो वक्री नहीं है, अतः शनि की 7.5 जातक को मानसिक परेशानी, मानसिक उलझन, समस्याएं अवश्य उत्पन्न करेंगी, उनके जीवन में बाधाएं अवश्य डालेंगी। अब सबसे पहले इनकी कुंडली में शत्रु भाव पर नजर डालिए, जहां पर इस कुंडली में आप 6 नंबर देख रहे हैं। 6 नंबर का मालिक यानी कन्या राशि, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी कौन? बुध। कहां पर बैठे हैं? तो शनि के साथ यहीं पर बैठे हैं और दशम भाव में, और केतु के साथ होने से उनको जड़ दोष लग गया है। तो जड़ दोष होने के चलते और वर्तमान में मंगल में राहु का अंतर और साथ ही साथ शनि की प्रबल 7.5 चलने से यह आवश्यक है कि परेशानी आ रही है, आई है, और ये आपको परेशान करेगी। साथ ही साथ राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, तो चंद्रमा पहले ही नीच का, शनि की 7.5 चंद्रमा को ही लगती है और राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से जातक को बहुत ज्यादा मानसिक उलझन का सामना करना पड़ेगा। मन इतना विचलित अस्थिर हो जाएगा कि हो सकता है जो परेशानी इनके शत्रु इनके लिए न खड़ा खड़ी कर पाए वो ये मानसिक उलझन में, जब व्यक्ति मानसिक उलझन में होता है, मानसिक परेशानियां उसके सामने तरह तरह की समस्याएं लेकर के जब आती है, तो व्यक्ति अपने ही मन के द्वारा इतना पीड़ित हो जाता है कि कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। तो मेरी राय तो यही होगी कि मंगल की महादशा चल रही है, यह अवश्य है कि मंगल में राहु का अंतर परेशानियों भरा रहने वाला है, परंतु मंगल की जो महादशा है, इनकी कुंडली में मंगल सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से एक है, रुचक राजयोग, और साथ ही साथ दशमस्थ मंगल की सभी महर्षियों ने प्रशंसा की है, इसको कुल दीपक माना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में धैर्य से इस परिस्थिति, जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, उसका सामना करें,
उससे घबरा करके भागेंगे तो शत्रु निश्चित रूप से आपका अहित कर देगा। और जब आप ऐसे किसी पद पर होते हैं, सामाजिक आपका जीवन होता है, तब तो यह तय ही है कि ऐसे लोग जो कि इसीलिए हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सके। जाहिर सी बात है कि जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आपके पैर खींचने वाले भी लोग होते हैं, वो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे आपको कलंकित कर लें, कैसे आपको बदनाम कर लें। क्योंकि कई बार कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि आपको बदनाम करने वो जाएंगे तो और कुछ न सही, इस बदनामी के क्रम में उनका नाम हो जाएगा। और इस छोटी सोच से वो ये भी नहीं विचार करते कि किसी का सामाजिक जीवन जो है उस व्यक्ति का पूरा करियर नुकसान उसको हो जाएगा, छवि उसकी खराब हो जाएगी। तो खैर, जो लोग शत्रु भाव में लेकर के चल रहे हों और आपकी कुंडली में शत्रु भाव का मालिक बुध है, बुध जब षष्ठम स्थान का कारक कोई शुभग्रह हो तो नुकसान विशेष हो जाता है। अतः कोई भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ करके, बहुत धैर्य से, बहुत चिंतन करने के बाद ही कोई कदम उठाइए, अन्यथा नुकसान होगा। इस कुंडली में देखा जाए तो सूर्य एकादश स्थान में बैठे हैं, वहीं पर गुरु और शुक्र भी बैठे हैं, और देखा जाए तो सूर्य से गुरु की डिग्री कम है, अतः गुरु अस्तगत यहां पर नहीं है। शुक्र की भी डिग्री ऐसी है कि वो बाल्यावस्था में है और अस्तगत न होने के चलते ग्रह स्थिति काफी बेहतर है। हाँ, कुछ दुर्योग जो इस कुंडली में लगे हुए हैं वो अवश्य आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसका वक्त रहते निदान अवश्य कराएं। साथ ही ये विचार अवश्य किया जाए कि शत्रु कितना प्रबल हो सकता है। शत्रु की प्रबलता इस बात पर भी निर्भर करती है शत्रु होता कौन है। शत्रु होता है आपका भूतकाल। हम सबके जीवन में हमारी गलतियां शत्रु के रूप में उभर करके आती है। कई बार जान करके हम शत्रु किसी को बनाते हैं और कई बार जाने अनजाने कोई हमारा शत्रु बन जाता है, यानी भूतकाल, हमारा जो भूतकाल है वो शत्रु के रूप में आया है। तो गलती कितनी किस प्रकार की हुई है उस पर अवश्य चिंतन किया जाए और उसको समेटने का, उसको बचाने का, हाँ ये अवश्य ध्यान रखें कि इस बचाने के क्रम में कोई बहुत बड़ा भूल न हो जाए। यानी इस समय अगर कोई समस्या आती है तो उसमें, उस समस्या के आने में आप भी बराबरी के हिस्सेदार होंगे। तो जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ करके, कुछ उपाय जो इनको इस समस्या से उबार सकेगी। कुंडली में जो ये दुर्योग लगे हैं जिसका मैंने जिक्र किया, अंगारक योग, श्रापित अथवा पितृदोष, जड़ दोष, इन सब की शांति कराई जाए, ये अति आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में नीच का होकर के अष्टम स्थान में बैठा है, जो प्रबल मानसिक उलझने देगा, मानसिक परेशानियां देगा। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक, बगला मुखी का 125,000 जप और नारियल के तेल से ब्राह्मण के द्वारा भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक कराएं तो शत्रु अवश्य शांत हो जाएंगे। खुद से भगवान सूर्य की नियमित आराधना प्रारंभ करें और हो सके तो अपने से ही प्रतिदिन कम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ये उपाय देखा जाए तो बहुत कठिन नहीं है। इन उपायों का अगर सहयोग लिया जाए और साथ ही साथ भगवती बगलामुखी का कवच बना करके, शत्रु के शांति के लिए बगलामुखी का कवच बना करके अगर गले में धारण किया जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी।